दोस्तों फेज 4 में भले ही एमसीयू डाउन हो गया था, लेकिन लोकी सीजन 2 के साथ में एमसीयू ने एक बार फिर से वापसी करनी है और कल सुबह लोकी का एपिसोड नंबर 5 भी रिलीज हो जाएगा और सभी को इसी का इंतजार है। लेकिन इसी के बीच में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ गई है जिसके बारे में भाई बात करना तो बनता है, क्योंकि भाई अभी इस टाइम पर ऐसे रिपोर्ट आ रही इनसाइडर की तरफ से कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ओजी एवेंजर्स वापस आ रहे हैं और ये लगभग 99% कंफर्म है। और सिर्फ ओजी एवेंजर्स ही नहीं, ओजी एवेंजर्स की जो ओजी कास्ट थी वो भी यहां पर वापस आ रही है, यानी कि आरडीजे एस आयरन मैन, स्कारलेट जोहानसन एज ब्लैक विडो और साथ ही ओजी कैप्टन अमेरिका और ओजी ब्लैक विडो भी वापस आएंगी सिर्फ एक मूवी के लिए। हालांकि इसके बाद भी अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहां पर जो ओजी कास्ट है वो यहां पर एक मूवी के लिए वापस आ सकती है। और थॉर तो भाई अभी एमसीयू में है ही और ब्रूस बैनर भी एमसीयू में है। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो की वापसी करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो है ब्लैक विडो और आरडीजे एस आयरन मैन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिस एवांस का कैप्टन अमेरिका भी अभी एमसीयू में जिंदा है, क्योंकि अभी तक ऐसा दिखाई नहीं गया कि उसकी तो वो तो वापस आ ही सकता है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लोकी सीजन 2 में टाइम ट्रेवन, तो वो तो आराम से वापस आ सकता है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं लोकी सीजन 2 में टाइम ट्रेवन, जहाँ पर एपिसोड 4 में विक्टर टाइमली की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से एपिसोड 5 में वापस आ जाएगा टाइम में पीछे जा करके। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जा सकता है। और क्या पता लोकी खुद ही जाए 2012 के आयरन मैन के पास में और टोनी स्टार्क से कहे जाके कि टोनी तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर टोनी स्टार्क तो समझता है कि लोकी बहुत ही बेवड़ा इंसान है, तो क्या टोनी लोकी के साथ में जाएगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर लोकी सब कुछ समझा देगा टोनी स्टार को, तो उसके बाद टोनी डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कैंग बहुत ही ब्रिलियंट है, जैसा कि हमने देखा था विक्टर टाइमली को। और कैंग के अभी तक हमने जितने वेरिएंट देखे हैं ना वो सभी एकदम ब्रिलियंट और माइंड ब्लोइंग है। तो अभी एमसीयू में बहुत ही कम ऐसे पर्सन है जो कि कैंग को टक्कर दे सकते हैं, और उसमें से टोनी स्टार अभी भी नंबर 1 पर है। हालांकि कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फैंटास्टिक 4 भी एमसीयू में आने वाला है और सूरी भी है, लेकिन सूरी ने जो भी काम किया है ना वो किया है वकांडा के टेक की हेल्प से, जहां पर सूरी के पास में एक एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार के पास में कोई एडवांटेज नहीं था। और हाँ, फैंटास्टिक 4 डेफिनेटली एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन नोकी कैंग को बहुत अच्छे से जानता है और नोकी टोनी स्टार को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो शायद एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर टोनी स्टार का काम पड़ेगा, और तभी शायद नोकी या टीवी का कोई मेंबर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर भाई कोई भी जाएगा और ओजी एवेंजर्स को वापस लेकर के आएगा, जिसमें अपना आरडीजे का आयरन मैन भी होगा। और अगर एमसीयू चाहे तो और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज है जहाँ से आरडीजे एज आयरन मैन एमसीयू में वापस आ सकते हैं, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी है कि आरडीजे का आयरन मैन कोई वेरिएंट होगा। और अभी ऐसे रिपोर्ट सामने आए भी थे कि सुपीरियर आयरन मैन भी आ सकता है एमसीयू में, जिसको टॉम क्रूज प्ले करने वाले थे, बट शायद ऐसा हो सकता है कि उसको भी आरडीजे ही प्ले करे। और जो हमने देखा था अर्थ 838 में इल्यूमिनाटी की टीम को, जहां पर अल्ट्रॉन थे लेकिन वहां पर टोनी स्टार्क नहीं था, तो शायद वहां का आयरन मैन भी आरडीजे ही प्ले कर सकते हैं। तो यानी कि पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी, जहां पर बिना एवेंजर्स एंडगेम की जो भी इवेंट हुआ था उसमें छेड़छाड़ किए आरडीजे को वापस लाया जा सकता है। बट अगर आप लोग फैन से पूछेंगे कि क्या आयरन मैन को वापस लाना चाहिए एमसीयू में एक बार फिर से, तो बहुत सारे लोग इस पर एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि आरडीजे एज आयरन मैन को बहुत ही बढ़िया एंडिंग मिल चुकी है और उस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो जो एंडिंग थी उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि अगर आरडीजे वापस आएंगे तो यार एवेंजर सीक्रेट वॉर्स और भी ज्यादा पैसा कमाएगी, और जाहिर सी बात है कि मार्वल और मूवी चलती है बिजनेस से। और इसका एग्जांपल हमने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहां पर पूरे 20 साल के बाद टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन वापस आया था, तो भाई कितनी ऑडियंस आई थी और उसने कितना पैसा कमाया है। तो यानी कि ये तो कंफर्म है कि अगर कोई पुराना कैरेक्टर 10 साल के बाद वापस आएगा तो वो मूवी पैसा तो कमाएगी। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या आप लोग चाहते हैं कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे रिटर्न करे या फिर नहीं। और अगर आप लोग भी मेरी तरह मार्वल के फैन है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।